डॉक्टर एस टी हसन द्वारा राम मंदिर चंदे पर दिए गए विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है, जिसे लेकर आज मुरादाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सशक्त हिंदू संघ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा सांसद को गिरफ्तार करने की मांग उठाई और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जमा की जाने वाली सहयोग राशि के संबंध में 3 दिन पूर्व मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जब ये लोग राम मंदिर के लिए चंदा लेने निकलेंगे, कुछ बिके हुए मुसलमानों से पथराव कराकर हिंदू मुस्लिम करा देंगे। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। सपा सांसद द्वारा दिए गए बयान से हिंदू संगठनों में उबाल आ गया है, जिसके विरोध में आज अंतर्राष्ट्रीय सशक्त हिंदू संघ के कार्यकर्ता मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुँच गए और सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इन कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश घर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या क्या मांग है आपकी इसमें? मांग ये है, परसों जो है हमारे सांसद एस टी हसन साहब ने अपने एक बयान जारी करा है कि ऐसा जो हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो चंदा कर रहे हैं हिंदू लोग, उनको आप पत्थर मारें। इस बात को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तो हम लोग चाहते हैं कि सांसद जो हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों ने जिताया है, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, इससे शहर के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, दोनों संप्रदाय के अंदर मनमुटाव पैदा होता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस बयान का संज्ञान लिया जाए और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं सांसद वो? वो एसपी समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ऐसे संज्ञान में आया कि आपने कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उनके? हाँ, मैंने मुगलपुरा थाना में उनके खिलाफ कल तहरीर दी है, उसकी सीडी जो है मैंने एसएसपी साहब को और अपने मोदी योगी जी को भी भेज दी। अच्छा, किस तरह का रोष है हिंदू संगठन में इनके बयान को लेकर के? हिंदू संगठन असल में रोष इस बात का है, क्योंकि ऐसा ये हिंदू मुसलमान दोनों के आधार पर चुनाव में जीते हैं। अगर एक संप्रदाय से जीतते तो कोई बात नहीं थी, आप दोनों संप्रदाय से जीते हैं तो कम से कम दोनों का ख्याल रखते हुए आपको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारा शहर सांप्रदायिक माना जाता है, तो इसमें जरा सी चिंगारी भी पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करा सकती है, इसलिए उनको ऐसा संज्ञान में लेना चाहिए था और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं। क्या क्या मांग करेंगे इसमें? हमारी मांग ये है कि इनकी जाँच करा कर, अगर ये वो सच है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी सदस्यता जो है संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाए।